हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ। सो ये 17 अगस्त 2024 को मैंने टेस्ट दिया था और मेरे ग्रुप पे, सो आप लोग जो ग्रुप पे है उन्होंने टेस्ट लिया और जो लोग नहीं थे सो आप लोग इधर टेस्ट ले लो। और देखो, फुल स्केल मॉक टेस्ट के लिए रुबेल सर अकेडमी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 300 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और प्रीवियस PDF प्रोवाइड कर सकूँ। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस शी डोंट लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन सर, शी डोंट लाइक या आइसक्रीम, इस पर कौन सा मतलब कह सकते हैं एरर है इस सेंटेंस पे। इसका जो राइट आंसर होगा बॉय, ऑप्शन बी यानी डोंट। इधर क्या होना चाहिए था, देखो, शी डजेंट लाइक आइसक्रीम, ये सही था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। कौन सा करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है। वेंट शी टू द मार्केट, शी मार्केट टू वेंट, वेंट टू शी मार्केट, या ऑप्शन डी शी वेंट टू मार्केट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी शी वेंट टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द यानी ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डल। ऑप्शन सर बोरिंग, टेडियस, ब्लंट या ब्राइट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनहेंस। एनहेंस मतलब इसका एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग क्या है। ऑप्शन सर एनहेंस मतलब इंक्रीज, ठीक है, सिनोनिम होता तो इंक्रीज होता। तो इसका कौन सा राइट आंसर है, इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई या ग्रो। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या है, देखो, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, सिंपल या एलाबोरेट। इस पर इंट्रिकेट भी हो सकता है, लेकिन इस पर हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए यानी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज द फ्रेज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन मीन्स। ऑप्शन सर ए फंडामेंटल एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, एन आउटडेटेड एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, ए न्यूली डेवलप्ड ट्रेंड्स इन मॉडर्न मेडिसिन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ए फंडामेंटल एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। देखो, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। ऑप्शन सर ट्रिबियल, नोटिसेबल, डिमिनेटिव, या ऑप्शन डी नथिंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ट्रिबियल। क्वेश्चन नंबर एट, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द डिलीजेंस। ऑप्शन सर एक्सर्शन, बिगोर, एसिडिटी या लेथार्जी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी लेथार्जी। क्वेश्चन नंबर नाइन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, ही डैश ए हीनियस क्राइम। ऑप्शन सर हैपेंड, ओकर्ड, कमिटेड, या ऑप्शन डी मेड। इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी यानी कमिटेड। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो SCERT DLED पैट के लिए, साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहाँ पे मतलब रखा जाता है, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, आर्काइव्स, कोफर, स्कलरी, या ऑप्शन डी पेंट्री। इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन ए यानी आर्काइव्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, आप लोग भी क्लास पे ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू सो मच।